छोटा फैक्ट्री का स्पेस है जो ऑलरेडी आपको सीजन 1 और 2 बहुत पसंद आया, तो आई थिंक उसी स्पेस में रह के हम लोगों ने और कहानी को आगे बढ़ाया कैरेक्टर्स की, यू नो बहुत मेहनत की है, गर्मियों में हमने ठंड की एक्टिंग की है, अभी के लिए की है। हेलो एंड वेलकम, यू आर वाचिंग एनडीटीवी। मैं हूं उर्वशी और मेरे साथ यानी कि एनडीटीवी की मास्टर क्लास में मेरे साथ है वैभव और वैभव के जीतू भैया। आई विल नॉट कॉल यू जीतू भैया। हेलो गाइस, सब गए होंगे आप ये सुन सुन के। अच्छा सीजन 3 आ गया है तो सबसे पहले काम की बात कर लेते हैं। वन रीजन टू बिंज वॉच सीजन 3, मतलब बंदा ये वीडियो देखने के बाद सीधे कोटा फैक्ट्री 3 देखेगा। आई थिंक जो कोटा फैक्ट्री का स्पेस है जो ऑलरेडी आपको सीजन 1 और 2 बहुत पसंद आया, तो आई थिंक उसी स्पेस में रह के हम लोगों ने और कहानी को आगे बढ़ाया कैरेक्टर्स की, यू नो और चीज़ों को बताने की कोशिश की एंगेजिंग वे में, तो आई होप आपको मजा आएगा सीजन 3 देखने में, तो प्लीज वॉच इट, आपको 100% मजा आएगा। जितना मजा आपको फर्स्ट और सेकेंड सीजन में आया उससे और भी मजा आएगा। हमने कोशिश की है, पूरी कोशिश की है कि आपको मजा आए, आप एंजॉय करें। बहुत मेहनत की है, गर्मियों में हमने ठंड की एक्टिंग की है, आप ही के लिए की है। देख लो भाई देख लो। अच्छा मयूर, रियल लाइफ में आपका क्या एजुकेशन, मतलब किस स्ट्रीम से रही है? मैं BMM से पढ़ा हूँ। ओके नाइस, तो ये जो आप कर रहे थे तो क्या क्या लग रहा था, ऐसा मतलब अलग कोर्स यार? हाँ अलग कोर्स था बिल्कुल, मैंने कभी इतना डिटेल में इंजीनियरिंग को नहीं पढ़ा था, ना जाना था, ना मैं किसी स्टूडेंट से मैंने ऐसी बात की थी, बट फॉर्चुनेटली जो स्क्रिप्ट थी और जो राइटिंग थी स्क्रिप्ट की वो इतनी ज़्यादा अच्छी थी कि मुझे बहुत ज़्यादा डर नहीं लगा। मैं उस फील्ड से था भी नहीं, पर जब मैंने पढ़ा तो मुझे लगा ये बहुत रिलेटेबल चीज़ है और मैं खुद भी रिलेट कर गया था, और बाकी इन सबका सपोर्ट था ही क्योंकि जीतू भैया। अच्छा आप IIT से रहे तो रियल लाइफ वर्सेस रियल लाइफ क्या डिफरेंसेस आपने एक्सपीरियंस किए? अरे मुझे लगता है जो रियल लाइफ जीतू भैया वो काफ़ी अलग है। मैंने मैं मतलब टीचर भी रहा हूँ और मैंने यू नो टीचर्स के पढ़ा भी है कोटा में, तो उनसे काफ़ी अलग है ये, काफ़ी यू नो इंस्पायरिंग है और स्टूडेंट्स साथ यू नो उनके पर्सनल प्रॉब्लम भी सॉल्व करता है जो कि पॉसिबल नहीं है कोटा टीचर्स के लिए। मतलब वो लोग पढ़ाते बहुत अच्छा है और वो लोग पढ़ाने में पूरा सपोर्ट करते हैं बच्चे को, बट कहीं ना कहीं जो मेंटोरशिप है वो मिसिंग है जनरली, तो आई थिंक वो कहीं ना कहीं दिखाने की कोशिश की है रियल लाइफ। अच्छा मेरा एक क्वेश्चन है, ये मैं फर्स्ट सीरीज में ही पूछ रही थी लेकिन अब मिले हो आप, तो ये जीतू भैया कैसे आपके कैरेक्टर का नाम, मतलब रियल लाइफ में आपका नाम जितेंद्र है, तो क्या इसकी कोई हिस्ट्री है या कुछ? नहीं ऐसी कोई खास हिस्ट्री नहीं है, मतलब जीतू भैया, मतलब जीतू तो आई थिंक जनरली छोटा नाम है, सुनने में जल्दी से मुंह से निकल जाता है, तो इसलिए रखा है। भैया ऑफकोर्स भैया एक फैमिली में कोई होता है हमारे, तो जनरली अगर भैया बुलाते हैं तो एक इनफॉर्मल हो जाता है, एक इनफॉर्मल हो जाता है, सडनली अगर किसी को भी कोई भैया बुलाएगा या दीदी बुलाएगा तो ज़्यादा अटेंशन जाएगा उस चीज़ पे, तो आई थिंक वही रीजंस है कि उसको सर ना बुला के भैया बुलाया है। ये जितेंद्र आपने सजेस्ट किया था कि कोटा फैक्ट्री 3, ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच फॉर टॉकिंग टू अस। थैंक यू।